लगते ही धारा 144 लागू हो गई है, जिसको लेकर छाता उपजिला अधिकारी और क्षेत्र अधिकारी ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। छाता तहसील के अंतर्गत आज उपजिला अधिकारी रामदत्त राम और क्षेत्र अधिकारी जगदीश काली रमन ने अपने क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उपजिला अधिकारी रामदत्त राम ने बताया कि जिले में अब आचार संहिता लागू हो गई है और उस पर कार्यवाही भी चल रही है। इसी के मद्देनजर रखते हुए छाता तहसील में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया गया। बैठक में 3 टीमें गठित की गईं, जो कि छाता, कोसी और शेरगढ़ के क्षेत्रों में नजरें बनाए रखेंगी। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने ये भी बताया कि प्रत्येक टीम में 5 सदस्य होंगे और बैरियर लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की जाएगी और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बैठक में उपजिलाधिकारी और क्षेत्र अधिकारी के साथ साथ तीनों थानों के एसओ मौजूद रहे। वहीं बैठक के संदर्भ में छाता सीओ जगदीश काली रमन ने भी जानकारी दी। सर बताएं, जो ये मीटिंग रखी गई है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं चुनाव प्रक्रिया को? हमारे आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ही हम लोग जो है कार्रवाई शुरू हो गई है, तो टीमें बन गई हैं, VST टीम बनी है, FST टीम बनी है, SST टीम बनी है। तो आज उनकी बैठक करके उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो माननीय जो निर्वाचन आयोग का जो आदेश है उसका अच्छे से पालन किया जाए। इसी क्रम में टीम गठित करके उनको एक्टिव में लाने के लिए, क्रियाशील करने के लिए इनको जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता के संबंध में बताया जा रहा है और निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक हो, इस ढंग से जो है इनको निर्देश दिया जा रहा है कि इस तरह से संपन्न हो। सर कितनी टीमें बनाई हैं? टीमें जो BST की 3 टीमें बनाई गई हैं, SST की 3 टीमें हैं, FST की 6 टीमें हैं। ये अपने अनुसार काम करेंगे जो है। सर एक टीम में कितने सदस्य हैं? VST में 3 टीमें हैं, 3 टीमें अपना अपना समय काम करेंगे। SST जो है इसमें भी 3 टीम है और इसमें बजटेड भी लगे हुए हैं SST वाले में, और जो है FST टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, इसमें ये 6 टीमें हैं, ये सब अपना काम करेंगे। इसको नाम करो तो बैरियल जो लगाए जा रहे हैं, हमने भी अभी डिस्कशन हमारे CO साहब थे और थाना अध्यक्ष वगैरह लोग रहे, उनके साथ बैठ करके निर्णय ले लिया गया है। इनको बताया गया है कि आप जो इस टीम जो है वो कहाँ कहाँ जाएगी, जिससे जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो और कहीं कोई का अपनी चीजें पाई जाती हैं तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग रखी गई है, इसमें क्या क्या कुछ निर्देश दिए गए? आज SDM साहब द्वारा और मेयर द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो वल्नरेबल क्रिटिकल जो मतदान केंद्रों की जो सूची है उसी के ऊपर विचार विमर्श हुआ, और लोकसभा चुनाव के तहत जो अलग अलग टीमें बनी हैं, BST है, SST है और FST है, ये सब टीमें किस तरीके से काम करेंगी और किस तरीके से पुलिस बल इनके साथ रहेगा, उसी पर चर्चा हुई और उसी के ऊपर आगे रणनीति बनी। तो सर कितने बैरियल जो लगाए गए हैं, जगह जगह नाकेबंदी की गई है, उसके बारे में? बैरियर जो हैं लगभग 13 से 14 बैरियर हैं जो लगाए गए हैं चेकिंग के लिए, जिससे कि सुचारू रूप से लोकसभा चुनाव सफल तरीके से हो और शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की दारू की तस्करी या किसी तरह का और किसी तरह की चीज़ें जिनकी तस्करी होती है वो ना हो पाए। टीमें कितनी लगाई गई सर? टीमें इसमें 3 टीमें हैं जो प्रशासन की तरफ से हैं, VST है, FST है और SST है।